गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ए टैप ट्यूटोरियल सीरीज डे 20। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी मॉडिफायर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ लोड पैटर्न, आज है हमारा प्रॉपर्टी मॉडिफायर। तो ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। एक मैंने मॉडल बनाया है, इसमें डिफ़ॉल्ट ग्रिड ले ली है, कॉलम बीम लगा दिया है। अब मैंने क्या हुआ, मुझको बेस पर सपोर्ट लगानी थी, तो मैंने प्लान पे गया मैं ऐसे, और मैंने ड्रैग कर ऐसे सपोर्ट सेलेक्ट करी, बेस की सपोर्ट, और असाइन कर दी मैंने सपोर्ट। बट हुआ क्या, यहाँ पे ऑल स्टोरे हो रहा था, तो जिस वजह से मेरी सपोर्ट हर जगह लग गई है। तो इसको हटा लेते हैं। मैंने सेलेक्ट किए सारे जॉइंट्स, जॉइंट्स रिस्ट्रेन, और मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और ओके किया। अब हमारी सारी सपोर्ट हट चुकी हैं। अब मैंने दोबारा यहाँ पे किया वन स्टोरे और सेलेक्ट किए बेस के नोड और असाइन और जॉइंट और रिस्ट्रेन एंड फिक्स, और मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ। देखिए जैसी एनालाइज हुआ तो एक डिफॉर्मेशन शेप नज़र आ रही है, यानी कि कोई ना कोई लोड है जिसकी वजह से डिफॉर्म हुआ है। और अगर हम बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी दिखाएगा ये। तो मैंने इस पर कोई लोड अप्लाई नहीं किया, फिर भी बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है, क्योंकि ई टैप्स में ऑटोमेटिकली सेल्फ वेट ले लेता है वो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इस बीम का बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है ना, सबसे पहले इसको अनलॉक करते हैं हम, जब एडिटिंग कर सकते हैं। और इस बीम में केवल प्रॉपर्टी मॉडिफायर लगाता हूँ मैं, असाइन और फ्रेम्स, क्योंकि फ्रेम की बात हो रही है, प्रॉपर्टी मॉडिफायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेट एंड मास जीरो करके ओके कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर आ रहा है पीएम, यानी कि प्रॉपर्टी मॉडिफायर। अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ, और अब मैं बेंडिंग मोमेंट चेक करता हूँ, तो देखिए कितना कम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस पर। क्यों आ रहा है ये कम, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल लोड तो है नहीं, और सेल्फ वेट भी इसका जीरो हो गया, बट जो इसके पास जो बीम्स कनेक्ट हैं उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ मोमेंट इस पर, जिसकी वजह से मोमेंट शो कर रहा है यहाँ पे, बट इस पर अभी कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है। तो इसीलिए काम आता है आपका प्रॉपर्टी, कोई भी बीम कॉलम की आपको कोई प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी है, असाइन फ्रेम में जाके प्रॉपर्टी मॉडिफाई, तो ये सब चीज़ें आप प्रॉपर्टी उसकी मॉडिफाई कर सको। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया, वन का मतलब है एक्चुअल जो एरिया आपने उसे दिया है, 0.5 कर देता हूँ, तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ। उसी तरह शीयर, टोर्जन, मोमेंट, मास, वेट, आप कोई भी प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर सकते हो। जीरो से मतलब जीरो हो गई वो प्रॉपर्टी, और वन से ज़्यादा का मतलब हो गई उतनी टाइम्स बढ़ गई है, और अगर वन रखते हैं तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल रहेगी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी मॉडिफायर।